बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? ठीक है, यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पेज नंबर 70, पेज 70, यूनिट नंबर 12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब एक लाइट हमारे साथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए, यानी लेस डेंसर मीडियम से ग्रेटर डेंस मीडियम में चल जाए, तो लाइट की स्पीड में और इसकी डायरेक्शन में चेंज आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वो हमने कॉपी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी हमारे साथ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे साथ ग्रेटर होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और जब हमारे साथ लेस डेंस मीडियम से ग्रेटर डेंस मीडियम की तरफ आती है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, तो वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हमें डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या चीज़? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे साथ रेशो है दो चीज़ों के दरमियान। वो क्या है? दो स्पीड्स के दरमियान रेशो है। ठीक है, वो किस चीज़ की स्पीड है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जितना है उसके साथ रेशो लाए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम जो भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे साथ क्या है, इन दोनों के दरमियान हम रेशो ले सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है, और वी हमें रिप्रेजेंट करता है एनी स्पीड, यानी जो भी हमारे साथ स्पीड हो, जो भी मीडियम में स्पीड हो, यानी वाटर में अलग स्पीड है, ठीक है, एयर में अलग स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जब हम कर लेते हैं तो हमारे साथ क्या आता है, दो स्पीड के दरमियान रेशो आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेम क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द रेशो ऑफ स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड अप्लाइड इन मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड अप्लाइड इन मटेरियल, यानी स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम में जितना है वो डिवाइड कर स्पीड अप्लाइड इन मटेरियल मीडियम, यानी वाटर हो, एयर हो, गैस हो, जो भी चीज़ हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो डिवाइड करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट एन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट एन वैक्यूम जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो कि बराबर है 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम है, वो एनी मीडियम हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फिजिकल मीडियम सच एज ग्लास इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद रखिए कि फिजिकल मीडियम जो भी है हमारे साथ, चाहे वो ग्लास है, वो वाटर है, वो एयर है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे साथ ग्रेटर होगी किस चीज़ से, एनी मीडियम से, या जो भी मीडियम हो, यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, दस द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो मटेरियल की हमारे साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस नहीं। मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी या 1 से लेस होगी, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल में हमारे साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है डिफरेंट मटेरियल की, यहाँ पर मटेरियल नेम दिया गया है और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे साथ गेसेस में हम ले लेते हैं, तो गेसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड अप्लाइड इन मीडियम यानी एयर में हमारे साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 1.000271, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस चीज़ के, एयर के। अब याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट, क्यों यूनिट नहीं है, कि दो सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशियो है, यानी मीटर पर सेकंड ऊपर भी हम लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड नीचे भी लिख जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, हीलियम है, हीलियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.000036, 1.000036, ये किस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हीलियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.00045, कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.00045, कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0045। ये तो हमारे साथ गैसेस में कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, ठीक है। अब लिक्विड में हमारे साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.333। ये इस तरह नहीं है कि बस ऑटोमेटिकली हमने ऐसे बस वैल्यू दिया है कि बस ये इस तरह आया है, ठीक है। ये प्रॉपरली स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड अप्लाइड इन वाटर डिवाइड किया गया है, इससे ये आ गया है, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉब्लम भी है, वहाँ पर हमें समझ आ जाएगा कि स्पीड अप्लाइड कितना है, ठीक है, इन वाटर कितना है, ठीक है। तो इससे 1.33 किस तरह आता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल ले लिए, वो बराबर है 1.329, यानी मिथाइल अल्कोहल को का जो स्पीड है, स्पीड अप्लाइड एन मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, वो उसको हम स्पीड अप्लाइड एन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड अप्लाइड एन मिथाइल अल्कोहल का जब हम कर लेते हमारे साथ बन जाते हैं 1.329। इसी तरह इथाइल अल्कोहल वो है 1.362, इसी तरह इथाइल अल्कोहल है वो क्या है 1.362। ग्लिसरीन जो हमारे साथ है वो है 1.743, ग्लिसरीन का हमारे साथ है 1.473, बेंजीन का हमारे साथ 1.501 है, इंजीन का है 1.501, और ऑयल का टाइप ऑयल का जो है वो है 1.5। ये था हमारे साथ कुछ लिक्विड में जो खास मटेरियल है उसमें स्पीड अप्लाइड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने काउंट किया, ठीक है। अब हमारे साथ सॉलिड में आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.310, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.310 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैल्शियम फ्लोराइड पर 1.434, कैल्शियम फ्लोराइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.434 है, कैल्शियम फ्लोराइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.434 है, ठीक है। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.46, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है 1.46, साल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.544, साल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.44, पॉलीस्टायरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.49 पॉलीस्टायरीन। टाइपिकल गैस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, टाइपिकल गैस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, क्रोम ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.52, क्वार्ट्ज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.544, क्वार्ट्ज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.544, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.417, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.417, ठीक है। अब यहाँ पर इस सारी वैल्यू को देख लीजिए आप, ठीक है, ये सारी वैल्यू 1 से क्या है, 1 से ग्रेटर है, एक भी वैल्यू 1 से लेस या 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब 1 के कब बराबर होगा, जब हमारे साथ वैक्यूम है, ठीक है, स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड अप्लाइड इन वैक्यूम जब हम कर लेते हैं तो फिर वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, 1 होगी, लेकिन याद रखिए कि 1 से कभी भी लेस नहीं होगी, ठीक है। यहां पर इन सारे मटेरियल को देख लीजिए, ये 1 से लेस नहीं है, सारे 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
इंडेक्स क्या होगी, ग्रेटर होगी वन से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, वन से ग्रेटर, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम इसे कह सकते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम इसे कह सकते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि रेशियो ले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल मीडियम, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस अ चेंज इन वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ लाइट कम फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एबिलिटी ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम की ये खसूसियत कि वो स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी में चेंज लेकर आए, यानी लाइट की वेलोसिटी में और इसके डायरेक्शन में क्या लेकर आए, चेंज लेकर आए, ठीक है। यानी फर्स्ट मीडियम में उसका जो स्पीड ऑफ लाइट हो वो चेंज करे और जब वो दूसरा मीडियम में वो एंटर हो जाए, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय वी। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिफरेंट है डिफरेंट ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, जिस तरह हमने टेबल में कॉपी डिटेल में डिस्कस की, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फिजिकल मीडियम सच एज ग्लास इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फिजिकल मीडियम सच एज ग्लास इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में है, ठीक है, 3 × 10⁸ है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है, वो हमारे साथ ग्रेटर होगी किस चीज़ से, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से या किसी और मीडियम से, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। The index of refraction of material is always greater than or equal to 1. The index of refraction of material, यानी refractive index material different material की क्या है, 1 से greater है या 1 के बराबर है, 1 के vacuum के बराबर है, बाकी 1 से क्या है, greater है और 1 से less नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारे साथ index of refraction या refractive index, ठीक है। Kindly जिस point में भी मसला हो please comment कीजिए, ठीक है, और इसको बुक में 3 to 4 times रीड आउट करें, बेहद ज़्यादा इजी टॉपिक है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने 7 में भी पढ़ लिया होगा, शायद 6 में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, 8 में भी, 8 में तो है नहीं है लेकिन 6 और 7 में है, ठीक है। तो इसको आप अपने जहन में बिठा दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। काइंडली जिस पॉइंट में भी मसला हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।